कैलेंडर उठा लो या फिर अपने फोन का ही कैलेंडर खोल लो, बिकॉज आज अपन तुम्हें बताएगा मार्वल की अपकमिंग फेज 5 और 6 की जितनी भी मूवीज हैं उन सब की डेट एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। अब मार्वल अपने फेज 5 और 6 में मल्टीवर्स सागा को और ज्यादा एक्सपेंड करने वाला है। इधर सोनी भी अपने स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। इसमें आने वाली मूवीज हैं स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स, क्रैवन द हंटर एंड वेनम 3। लेकिन सारी अपकमिंग मूवीज में सबसे ज्यादा जो एक्साइटिंग होने वाली है रिसेंट में वो होगी डेडपूल 3 विद ह्यूज जैकमैन्स रिटर्न एंड स्टिल अ लॉट मोर टू बी अनकवर्ड। बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे, बहुत सारे कैमियोज भी हो सकते हैं, डेयर डेविल हो सकता है और भी कुछ लाइक अदर एवेंजर्स वगैरह आ सकते हैं, पुराने वाले नहीं, मे बी नया वाला कोई आ जाए। और डेडपूल 3 की रिलीज डेट की बात करें तो सितंबर, नवंबर एंड फिर मई के बाद फाइनल जो डेडपूल 3 की रिलीज डेट होगी वो होगी जुलाई 2024 में। एग्जैक्ट डेट है 26th of July 2024 और ये भी कंफर्म ही हो चुका है कि ये मूवी आर रेटेड होने वाली है, यानी बहुत सारा वॉयलेंस, ब्लड एंड गोर इसमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियस है यार, आफ्टर ऑल इसमें डेडपूल है और प्लस वुल्वरीन है एंड दोनों के दोनों चाकूबाज हैं यार, तो खून खराबा तो बनता है। इन दोनों के होने के बाद भी मूवी आर रेटेड ना हो तो बेकार है। फिर उसके बाद अगली जो अपकमिंग मूवी रहेगी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से वेनम 3, इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, वो भी जस्ट आपको बताता हूं। पहले तो वेनम डॉक्टर साहब की गलत दवा और गलत स्पेल के कारण एमसीयू में ट्रांसफर हो गया था, बट ऑलमोस्ट तुरंत ही जब डॉक्टर साहब ने सही स्पेल मारा तो वेनम अपने यूनिवर्स में वापस चला गया था। बट जाने से पहले एज आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस की जाने से पहले उसने अपना 100 ग्राम वेनम पहले ही वहां टेबल में छोड़ दिया था। तो वेनम 3 में फिलहाल स्पाइडी के आने का उतना ज्यादा चांस लग तो नहीं रहा है, बट फिलहाल रायट एंड कार्नेज को हराने के बाद इफ वेनम की फाइट किसी और सिम्बियोट से होती है तो यार फिर वेनम 3 एक्चुअल में बहुत बोरिंग हो जाएगी, बिकॉज वेनम वर्सेस सिम्बियोट्स हम ऑलरेडी देख कर पक चुके हैं यार। वी वांट समथिंग न्यू लाइक डेडपूल 3 में ह्यूज जैकमैन का रिटर्न, कुछ वैसा ही ह्यूज, समझे सोनी वालों। वेल वेनम 3 की एग्जैक्ट जो रिलीज डेट है वो है 8th of November 2024, यानी इसके आने में भी लगभग ऑलमोस्ट 1 साल पूरा बाकी है। तीसरी जो एक अपकमिंग मूवी है, ऑल्दो ट्रेलर देखने के बाद मुझे इससे पर्सनली ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, ज्यादा क्या, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, दैट इज क्रैवन द हंटर एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन से गोली खाने के बाद एरन टेलर अब क्रैवन द हंटर का रोल प्ले करते नजर आएंगे नई क्रैवन द हंटर मूवी में। एंड फिलहाल मार्वल एंड डिज्नी जिस तरह से बैक टू बैक मूवीज एंड टीवी शोज के नाम पर हगे जा रहे हैं, मार्वल फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है एंड एंड गेम के बाद से सीरियसली कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला है। हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सही थी बिकॉज उसको सैम रैमी ने डायरेक्ट किया था, वो जाने जाते हैं अपने हॉरर एलिमेंट के लिए। उसके बाद वही शी हल्क, अरे अभी रिसेंटली देखो ना दी मार्वल्स, ऐसी मूवीज बनाने से तो अच्छा है मार्वल इन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस से क्रिंज रील्स और टिकटॉक्स बनवा ले यार, वो ज्यादा सही लगेंगे। वेल क्रैवन द चिलांडर की रिलीज डेट है August 30, 2024, ट्रेलर पता नहीं 1 साल पहले ही काहे दे दिया। फिर बारी आती है कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड की। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, इसको कैप्टन अमेरिका बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन अब क्या करें, मार्वल ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। तो द ब्रेव न्यू वर्ल्ड में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सर्पेंट सोसाइटी वगैरह का कुछ सीन होगा, प्रेसिडेंट बनेंगे हैरिसन फोर्ड एंड फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर को तो तुमने देख ही रखा था, तो तुम खुद जज करो यार मैं आखिर कितनी बुराई करूंगा मार्वल की। फिर सब कहेंगे कि ये तो ऑन पर्पस मार्वल को गरियाता रहता है। इसकी रिलीज है 2025 में वैलेंटाइंस डे के दिन। एंड फिर इसके बाद मई 2025 में आएगी फैंटास्टिक फोर, मोर लाइक झंटास्टिक फोर, बिकॉज फैंटास्टिक फोर के स्मार्टेस्ट मैन अलाइव को तो हम देख ही चुके हैं। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे बोला जा रहा है कि अपकमिंग जो झंटास्टिक फोर मूवी होगी उसमें रीड रिचर्ड्स का रोल अब कोई और करेगा, क्योंकि वो एक्टर तो वैसे भी मरा हुआ दिखाई दिया गया है। और फैंटास्टिक फोर के जस्ट अगले महीने जुलाई 2025 में आएगी हमें फिर से डिसअपॉइंट करने थंडरबोल्ट्स। रिलीज डेट है July 25, 2025 और इसमें होंगे येलेना बेलोवा, बकी, जॉन वॉकर, रेड गार्डियन, टास्क मास्टर, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, एक ऐसी मूवी आ रही जिस पर लोगों का ध्यान तो नहीं है, बट एक्चुअल में मार्वल अगर इसे मैसअप नहीं करता है तो ये मूवी काफी एपिक बन सकती है, वो है ब्लेड। रिलीज डेट इज 7th of November 2025। बस इसमें जो भी नया एक्टर हो यार वो क्रिंज या जेंस टाइप का ना हो, लाइक शी हल्क, द मार्वल्स और शूरी की तरह, बिकॉज ब्लेड इज अ बैड एस कैरेक्टर। तुमने क्लासिक ब्लेड मूवीज तो देख ही रखी होंगी, वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल है, क्रिंज नाम की तो उसमें चीज भी नहीं है। वो एकदम शांत रहते हुए आगे बढ़ता है, अपने प्लान्स बनाता है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने क्लासिक ब्लेड मूवीज देख रखी हैं तो आप समझ जाओगे मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं देखी देन देख डालो, बहुत तगड़ी हैं। उसके बाद जैसे ही 2026 शुरू होगा तब मई में आएगी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। वैसे अभी मैंने एवेंजर्स बोला अंदर से बड़ा खाली खाली लगा, पता नहीं क्यों,
क्योंकि अब कोई असली एवेंजर है ही नहीं यार, सब इधर उधर के नमूने भर लिए हैं बस। खैर, कैंग डायनेस्टी दो एवेंजर्स मूवीज में से पहली होगी एंड ये मार्वल के फेज 6 में आएगी। मेनली अभी कैंग डायनेस्टी को लेकर र्यूमर्स एंड थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, बट जो चीज कंफर्म है वो यही है कि कैंग का रोल करेंगे जोनाथन मेजर्स एंड कैंग डायनेस्टी आते आते नई एवेंजर्स टीम भी पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी होगी। एंड जस्ट उसके एक साल बाद यानी 2027 में आ जाएगा उसका सीक्वल यानी एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स। इसमें नए वाले सारे हीरोज तो आएंगे ही, बट र्यूमर्स हैं कि कुछ पुराने फ्रेंचाइजेस से अपने एक्चुअल एवेंजर्स भी आ सकते हैं, कैमियो एंड ऑल ये सब हो सकता है। एंड सही पूछो तो पुराने एवेंजर्स में से कुछ तो आएंगे ही, बिकॉज अगर वो नहीं आते हैं तो मान के चलो कि ये जो सो कॉल्ड मार्वल का द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है वो इतना गंदा मैसअप होगा कि पूछो मत। एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो, मार्वल रियली नीड्स टू टेक अ ब्रेक। वो चीज़ों को रीथिंक करे, देखे कि क्या वो ऐसा मटेरियल है जो नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी सारी मूवी सारे शोज पिटते चले जा रहे हैं। मैं लोकी की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकी हटा दो, उसके अलावा जितने भी आए हैं बार बार क्या भाई मूवीज का नाम लेना, सब पिट रहे हैं यार। तो मार्वल को थोड़ा नए पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है। हाँ, 8-10 साल के बच्चे देखेंगे तो भले खुश हो जाएं दी मार्वल्स जैसी मूवीज देखकर, बट यार हमारे तुम्हारे जैसे बुड्ढों को ये सब समझ में नहीं आएगा। सुपर हीरोज पहले ही सुपर हीरोज हुआ करते थे, एग्जाम्पल के तौर पर थॉर को पहले देखो एंड अब देखो लव एंड थंडर में, मतलब थॉर को छोड़कर बाकी सब थॉर बने घूम रहे हैं, एकदम टोटल जोकर है यार वो, बच्चों को हंसा रहा है, एंटरटेन कर रहा है। कुछ डार्कर एग्रेसिव साइड तो दिखाओ यार, वो सुपर हीरो है, कोई जोक नहीं है। आजकल के सुपर हीरोज जोकर हैं, बच्चों को एंटरटेन करते हैं, टट्टी जोक्स मार के खुद ही उन पे हंस लेते हैं, खुश हो जाते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन डिज्नी प्लस मार्वल मूवीज और शोज से तुम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। अब उन मूवीज का नाम ले लेता हूं जल्दी से जिन्हें आना तो है बट उनका डेट वगैरह अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो वो मूवीज हैं आर्मर वॉर्स, स्पाइडी 4, शैंग-ची 2, स्पाइडर वुमन तो हो ही गया, अब स्पाइडर छक्का भी बना दो वही बचा है। तो अब यहाँ तक वीडियो देखी है देन इसे लाइक भी कर दो, इफ नए हो देन चैनल को कर लो सब। ऐसे ही लेटेस्ट मूवीज एंड एनिमेस वगैरह से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स लेकर आता रहूंगा मैं। सो टेक केयर, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।